हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक पोइम करवाने जा रही हूँ, मनी मैडनेस। इसे डीएच लॉरेंस ने लिखा है। डीएच लॉरेंस ने अपनी इस पोइम में हमें मनी के मैडनेस के बारे में बताया है, पैसे के पागलपन के बारे में बताया है। अब इसमें जो पोइट है वो कह रहे हैं कि जो पैसे का पागलपन है ना, वो वास्ट कलेक्टिव मैडनेस है, वो सब में फैल चुका है। कुछ लोग पैसे के पागलपन से दूर नहीं रह सकते, क्योंकि पैसे का पागलपन सब जगह है, हर एक के बीच में, हर एक पर्सन के बीच में पैसे का पागलपन है। अब इसमें पोइट कह रहे हैं कि जो ये पागलपन है ना, इसने जो नैतिक चीजें होती है, नैतिक मूल्य होते हैं ना, उनको खत्म कर दिया है। कोई एक व्यक्ति भी इस पागलपन से छूटा नहीं है, क्योंकि पैसे की कीमत ऐसी है कि बिना पैसे से, अब ये तो है कि अगर किसी के पास पैसा नहीं होगा तो उसे खाने को तो मिल ही जाएगा, इतना तो उसे मिल ही जाएगा कि वो जिंदा रह सके। लेकिन जब उसे खाने के लिए दिया जाएगा ना, तो ऐसे दिया जाएगा जैसे वो कोई डर्ट खा रहा हो, क्योंकि यहाँ पर डर्ट का मीनिंग ये है कि उसे जब खाने को दिया जाता है ना किसी के पास, जिसके पास पैसा नहीं होता, तो उसे इस तरह खाने के लिए दिया जाता है जैसे वो डर्ट खा रहा है, उसे ह्यूमिलेट किया जाता है। अब उसका ये डर उसे पागल, उसके पागलपन को बढ़ा रहा है पैसे को लेकर। पोइट कह रहे हैं कि अगर हम इस पागलपन को ख़त्म करना चाहिए हमें, क्योंकि यदि ये पैसे का पागलपन ख़त्म नहीं होगा तो एक दूसरे को लोग किल करना शुरू कर देंगे। पैसे के पागलपन को ख़त्म करने के लिए जो पोइट ने हमें जो एडवाइस दी है, हमें जो सजेस्ट किया, उन्होंने कहा है कि ब्रेड, शेल्टर और फायर ना फ्री होना चाहिए। ये शुड बी फ्री, ये फ्री होना चाहिए। अगर ये फ्री होगा तो पैसे का पागलपन अपने आप ही कम हो जाएगा। इसका कम होना काफी जरूरी है। अब हम लाइन टू लाइन मनी मैडनेस पोइम करेंगे। मनी इज आवर मैडनेस, आवर वास्ट कलेक्टिव मैडनेस, एंड ऑफ कोर्स इफ द मल्टीट्यूड इज मैड, द इंडिविजुअल कैरीज इज ऑन ग्रेन ऑफ इंसैनिटी अराउंड विद हिम। I doubt if any man living hands out a pound not without a pang and a real tremor if he hands out a 10-pound note. अब इन लाइनों में the poet says that greed for money has become a kind of madness with us. It is not a simple madness of a free individual. It is a vast collective madness that has overtaken all of us. The poet feels that no one hands out a 1-pound note without a pang in his heart. And if he has to hand out a 10-pound note, it gives him a real tremor. अब इन लाइनों में जो पोइट है वो कह रहे हैं कि जो पैसे का पागलपन है, ये वास्ट कलेक्टिव मैडनेस है, ये सब में फैल चुका है। कुछ इंडिविजुअल विजुअल के हाथ में ये नहीं है, ये सब में फैल चुका है। ये कलेक्टिव मैडनेस है जिसने हमें सबको ओवरटेक कर लिया है पैसे ने। अब पोइट कह रहे हैं कि अगर एक इंसान अपने हाथ से, अपनी पॉकेट में से 1-pound नोट खर्च करेगा तो उसे इतना दुख नहीं होगा, लेकिन अगर उसी टाइम वो 10-pound नोट को अपनी पॉकेट में से निकालकर खर्च करेगा तो ये स्पेंड करेगा तो ये उसके लिए काफ़ी दुखदायी होगा, उसे इसका काफ़ी दुख होगा। इसमें इन लाइनों में पोइट ने मनी मैडनेस को कलेक्टिव बताया है और कहा है कि कोई एक व्यक्ति इससे अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि ये मनी मैडनेस वास्ट कलेक्टिव मैडनेस है। अब नेक्स्ट लाइन्स है, वी क्वेल मनी मेक अस क्वेल, इट हैज गॉट अस डाउन, वी ग्रोवल बिफोर इट इन स्ट्रेंज टेरर, एंड नो वंडर फॉर मनी हैज अ फियरफुल क्रूल पावर अमंग मैन, बट इट इज नॉट मनी वी आर सो टेरिफाइड ऑफ, इट इज अ कलेक्टिव मनी मैडनेस ऑफ मैनकाइंड। अब इन लाइनों में पॉइंट कह रहे हैं कि द पॉइंट सेज दैट वी रिमेन फ्राइटेंड, मनी कीप अस फ्राइटेंड, वी रिमेन फ्राइटेंड लेस्ट वी शुड लॉस what we have earned. In fact, money has got us down. We crawl before it in strange terror. The poet says that if all mankind is mad for something, we can't afford not to be mad for it. अब इन लाइनों में पोइट कह रहे हैं कि एक अजीब से पागलपन ने हमें घेर रखा है, जिससे हम डरते हैं, इसने हमें डराया हुआ है। ये एक ऐसा पागलपन है जिससे हम डरे हुए हैं। पैसे के बिना इंसान निराश हो जाता है, ये एक ऐसा पागलपन है जिसके पास ये ना हो और जिसके पास हो उसके सामने हमें रेंगना पड़ता है, ये एक अजीब सी बात है। पैसे ने हमें भयभीत बना दिया है। अब
जिसके पास पैसा नहीं है वो काफी डरा हुआ रहता है, ये एक ऐसा सामूहिक पागलपन है जिसने हमें डराया हुआ है। अब इसके बिना अगर अगर ये जो मैडनेस है, अगर ये कलेक्टिव है, अगर पैसे के लिए पूरी दुनिया पागल है, तो कुछ लोग इससे अछूते नहीं रह सकते। कुछ लोग अगर पैसे के पीछे पागल नहीं है तो वो अपने आप ही पागल हो जाएंगे, क्योंकि कलेक्टिव मैडनेस है ये। एंड इफ आई हैव नो मनी दे विल गिव मी अ लिटल ब्रेड सो आई डू नॉट डाई बट दे विल मेक मी ईट डर्ट विद इट आई शैल हैव टू ईट डर्ट I shall have to eat dirt. I have no money. It is that I am frightened of, and that fear can become my delirium. It is fear of my money mad fellow men. अब इन लाइनों में जो पोइट है वो कह रहे हैं कि अगर उसे उसके पास पैसा नहीं होगा तो उसे खाने के लिए तो मिल ही जाएगा, इतना मिल जाएगा कि वो जिंदा रह सके, मरे ना, लेकिन जब उसे खाने के लिए दिया जाएगा ना, उसे डर्ट की तरह दिया जाएगा, उसे ह्यूमिलेट करके दिया जाएगा। The poet says that if he has no money, there can be some who will give him a little bread to eat. To that he does not die, but they will make him eat dirt also along with that little bread. By eating dirt, the poet means accepting insult without complaining. If one has no money and accept a little help from others, he has to lose all self-respect. It is this humiliation that the poet is frightened of. Poet कह रहे कि मुझे इसी बात पे डर लगता है कि अगर किसी के पास पैसा नहीं होगा, उसे खाने के लिए दिया जाएगा कि वो जिंदा रहे, लेकिन उसे डर्ट की तरह खाने को दिया जाएगा। यहाँ पर by eating dirt का मीनिंग है कि उसे कुछ भी मिले उसे खाना पड़ेगा, उसे किसी तरह की कंप्लेन नहीं वो कर सकेगा, उसे किसी देने वाले के आगे झुकना होगा, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आएगी, उसे ह्यूमिलेट किया जाएगा, इसी से पोइट को जो है वो डर लग रहा है। We must have some money to save us from eating dirt, and this is all wrong. Bread should be free, shelter should be free, fire should be free. The poet says that we must have money to save us from humiliation without money. We can't have even bread to eat, and those who will offer us a little bread out of charity will look down on us beggars. They will have no respect for us. The poet says that bread, shelter and fire should be free for everyone. यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि हर एक के पास पैसा होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए कि वो अपने आप को सेव कर सके, ह्यूमिलेट होने से बचा सके, क्योंकि जो उसे कुछ खाने के लिए जो कोई इंसान उसे देगा, कुछ ऑफर करेगा, लिटिल ब्रेड जो उसे चैरिटी में देगा खाने को, उसे नीची निगाह से देखेगा, उसे उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो उसे इस तरह देखेगा कि जैसे वो उस पर काफी एहसान कर रहा हो, उसे बैगर्स की तरह देखेगा, भिखारी की तरह देखेगा देने वाला। इसलिए पोइट कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि ब्रेड, शेल्टर और फायर सबके लिए फ्री होना चाहिए, ताकि वो ह्यूमिलेट होने से बच जाए जिसके पास पैसा नहीं है। इसलिए पोइट ने अपनी इन लाइनों में कहा है कि वी मस्ट हैव सम मनी टू सेव अस फ्रॉम ईटिंग डर्ट, कि हमारे पास कुछ पैसा तो होना ही चाहिए कि जिससे हमें डर्ट खाने से हम बच जाए, यानी हम ह्यूमिलेट होने से बच जाए। We must regain our sanity about money before we start killing one another about it. It's one thing or the other. अमिल लाइनों में पोइट कह रहे हैं कि the poet says that present day money madness can have very dangerous results. It can lead to a bloody struggle between the haves and the have not. Therefore, we must regain our sanity about money. If we don't do so, we will start killing one another. It is good to have money, but it is runs to go mad about money. The poet also advocates the free availability of the basic necessity of life, food, shelter, and fire. अब यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि अब वो दिन आ गए हैं कि हमें पता चल रहा है कि पैसों के पागलपन कितना खतरनाक इसके रिजल्ट आने शुरू हो गए, कितने डेंजरस इसके रिजल्ट आ रहे हैं। ये हमें एक ऐसे स्ट्रगल की ओर लेके जा रहा है ये पागलपन, जिससे जिनके पास है पैसा और जिनके पास नहीं है उनके बीच में एक स्ट्रगल सा चल शुरू हो गया है। इसीलिए हमारे जो अंदर का जो अच्छापन है, सैनिटी, हमारे अंदर की जो अच्छी भावना है, हमें उसे दोबारा पाना होगा।
अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, इफ वी डोंट डू सो, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, वी विल स्टार्ट किलिंग वन एनदर, हम एक दूसरे को मारना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए पोइट ने कहा है कि अपनी लाइफ को इससे खराब करने से अच्छा है, इस पागलपन से अच्छा है कि हम अपने बीच कुछ अच्छाई को जीवित करें। अब पोइट ने इसीलिए ही फूड को, शेल्टर को और फायर को, बेसिक नेसेसिटी को फ्री करने के लिए कहा है। थैंक यू।